हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पर प्री मार्केट के वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब में कहां पे ट्रेड करना चाहिए, कहां पे हमारा बाइंग सेलिंग हो सकता है, किस जगह पे सपोर्ट और रिवर्सल हमें मिल सकता है, उसका प्रॉपर एनालिसिस हम डेटा और चार्ट इन दोनों के साथ करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि हम कल दैट इज 7th of February कहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। आपको मैं बता दूं, अगर आपको याद हो मेरा ये वाला लाइव जो कि हुआ था ऑलमोस्ट एक दिन पहले, ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब तक ये हाई नहीं ब्रेक करेगा तब तक मार्केट जो है कि थोड़ा सा बेरिशनेस में रहेगा। और आप डेटा भी देख सकते हो और आज का जो मार्केट है आप ये भी देख सकते हो कि आपका मार्केट आज के दिन में भी बेरिशनेस रहा। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट करी, तो जो लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पर मैं प्रॉपर अपडेट देता रहता हूँ। तो कैसी अपडेट मैं प्रॉपर देता हूँ, ये अभी देखिए सी राइट साइड इन मार्केट और 5 February, 6 February का डेटा यहाँ पे है। सो बोथ इंडेक्स सीम्स बेरिश टू साइडवेज, तो यहाँ पे मैंने आपको अपडेट भी करी थी। तो ऐसी अपडेट्स मैं देता रहता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप इसको जरूर ज्वाइन कर रखें। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉक इन में सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी भी बेरिशनेस बनी हुई है मार्केट में और डेटा में भी हमें बेरिशनेस दिख रही है, और बेरिशनेस के साथ साथ हमें साइडवेज वॉलिटिलिटी दिख रही है, मतलब यहाँ पे। तो मार्केट में जब बड़ा मोमेंट आता है तो वो मोमेंट आपको कैप्चर करने को नहीं मिलता और बाकी आप जहाँ पे एंट्री करते हो वहाँ पे आपको काफी लॉस झेलने पड़ जाते हैं, बिकॉज मार्केट ही काफी वॉलेटाइल है और साइडवेज बेसिस पे चल रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देनी चाहिए, और ऐसे में आपको हमेशा एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज लगानी चाहिए, जैसे कि शॉर्ट स्ट्रैंगल हुआ या फिर आपका लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैंगल हुआ, इन सबको लगाना चाहिए, तो वो चीज आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। बट कोई नहीं, कल देखते हैं क्या हो सकता है। तो कल वेनेसडे होगा, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से वहां पे आपको थोड़ी बहुत ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल जाए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं डेटा हमारा क्या बोला है। सबसे पहले निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है वो 8 February के लिए है, तो दोनों साइड कॉल और पुट वाई ज्यादा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम बेरिशनेस टू साइडवेज का एग्जांपल ले सकते हैं या फिर हम वॉलिटिलिटी लेते हैं यहाँ पे। अब देखो इसमें समझो बात, बाय द वे यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है वो दोनों साइड कॉल और पुट के ओआई बहुत ही ज्यादा है, लगभग पास पास है 10 करोड़ का ओआई, बहुत ही हाई ओआई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वॉलिटिलिटी और साइडवेज का व्यू बनाएंगे। ओके, आज के दिन में देखिए आज के दिन में क्या हुआ, तो आज के दिन में थोड़ी सी जो पुट की पोजीशन है वो बनी है और कॉल में अनवाइंडिंग हुई है, तो मतलब यह है कि स्लाइटली लास्ट में जो अप मूव आया है उसमें बुलिश पोजीशन बनाई गई है। तो इसको देख करके लगता है कि कल भी मार्केट पॉजिटिव रह सकता है, बट ओवरऑल जो देखें तो वॉलिटिलिटी का दिखाई दे रहा है, तो ओवरऑल हमें वॉलिटिलिटी दिख रही है। और अगर हम आज के दिन के बेस पे देखें, आज के दिन में जो पोजिशन बनी उनके बेस पे देखें, तो कल मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। तो अब देखते हैं कैसे ट्रेड करना है। तो सिंपली हमारे पास 21,700 का सपोर्ट है, सपोर्ट तो हमारे पास काफी ज्यादा, एक मिनट, 21,900 का हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और उसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंस है 22,000 का। तो कल अगर मार्केट 21,900 के ऊपर, जो कि अभी 930 पे ही है, मतलब स्पॉट लेवल में देखो 938 है, तो कल अगर आई थिंक ये हाँ ओके, तो ये 938 है, तो यहाँ पे अगर कल मार्केट हमारा सिंपली ये 900 के ही ऊपर ओपन होता है तो उस केस में हमारा पुट वाई, ये क्यों चेंज हो रहा है बार-बार, कोई बात नहीं, तो 21,900 के ऊपर ओपन हो जाता है तो बार बार हमारा जो है हमें पुट वाई को देखना है। अगर हमारे पुट वाई और इंक्रीज हो जाते हैं, कॉल वाई डिक्रीज हो जाते हैं, और यहाँ 22,000 में भी पुट का वाई ज्यादा होता है, जैसे अब यहाँ पे देखो कॉल वाला ज्यादा है, तो अगर ये पुट वाला ज्यादा हो जाएगा तो ये समझो हमारा मार्केट बुलिश हो जाएगा और हमें जो आज के दिन पे दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसमें समझते हैं कि कैसे ट्रेड करेंगे। तो देखो अगर हम देखें तो ये मेजर रेजिस्टेंस एरियाज थे और इन्हीं एरियाज में आकर के मार्केट ने काफी एक रेजिस्टेंस फेस किया। कल अगर इन सबको ब्रेक करके निकाल देता है डिसाइसिवली तो फिर मार्केट में हमें बुलिश रैली देखने को मिल जाएगी, जो कि हमें सीधे सीधे 21,120 और 150 तक देखने को मिल जाएगी। तो अब हम इसमें बाई कैसे करेंगे और कहाँ पे हम बुलिश हो जाएंगे इसका प्लान करते हैं। तो हमारे पास सिंपली ये लेवल है बाई का। अगर हमारा मार्केट फ्लैट ओपन होकर के या फिर हल्का सा गैप अप भी ओपन हो जाए, और उस केस में देखो गैप अप हो जाएगा तो आपको क्या करना है, उसी कैंडल के हाई का ब्रेक होने पे आपको ट्रेड कर लेना है, लो रहेगा उसका स्टॉप लॉस जिस कैंडल का, मतलब पहली कैंडल का। आई रिपीट वंस अगेन, काइंडली नोट इट, सिंपली अगर आपका मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी। कुछ लोग फास्ट बेसिस पे करना चाहते हैं तो 1 मिनट का भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी होगा, बट वो लोग जो फास्ट एग्जीक्यूट करते हैं उनके लिए है, नॉर्मल लोग 5 मिनट पे करेंगे। और 5 मिनट का जो हाई बनेगा उसका ब्रेकआउट होने पे आप एंट्री कर लोगे, स्विंग जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 5 मिनट वाला जो पहली कैंडल है उसका लो होगा, टारगेट 1:2 बेसिस पे आप लेके चल सकते हो अगर गैप अप हो गया तो।
अगर गैप अप नहीं हुआ तो फ्लैट ओपन हुआ नॉर्मल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके ऊपर जाने पे, जो कि हमारा 966 है, तो 966 के ऊपर जाने पे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने देंगे, और क्लोज होने के बाद जब नीचे आएगी और अगेन उस क्लोज वाली कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस स्विंग लो होगा, टारगेट 1:2, 1:3 का लेकर के आप चल सकते हो। तो अगर मैं देखूं टारगेट कहाँ पे मिल सकता है, तो अभी अगर 22,000 तक का तो दिख रहा है, 22,200 तक का दिख रहा है, तो 22,200 तक आप यहाँ पे टारगेट ले सकते हो। ओके, बट वो ट्रेलिंग बेसिस पे होगा, उतना जल्दी नहीं जाएगा, नीचे आकर के फिर जाएगा, तो आपको थोड़ा यहाँ पे समझना है अपने दिमाग लगा के। अब ये हो गया पहला प्लान और दूसरा प्लान। अब इसके बाद देखते हैं तीसरी प्लानिंग। तो तीसरी प्लानिंग देखो ये है कि नीचे गया तो यहाँ पे ऊपर आया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और इसी एरिया में सपोर्ट लेकर के यहाँ पे ऊपर चला गया है। तो ये एरिया एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। तो हम यहाँ पे बाय द डिप के भी स्ट्रेटजी लगाएंगे, जो कि होगी हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर कल हमारा मार्केट यानी निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे आता है और जो कि हमारा लेवल है 880 है, तो 882 ले लो, मतलब 880 ले लो, 882 है तो 880 ले लो। ओके, 21,880 से लेकर के 80 से लेकर के 860 है तो 70 ले लो, 870 तक हम बाई करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 850 का, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 940 का, और उसके बाद थोड़ा सा 950 तो ऊपर जाएगा, तो फिर और ऊपर जाने की संभावना है, बट यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो ये दो प्लानिंग है निफ्टी के लिए, बेसिकली तीन प्लानिंग है, गैप अप वाला और ब्रेकआउट वाला और बाय द डिप वाला। तो तीन प्लानिंग है, ये तीनों की प्लानिंग को आप अच्छे से लिख करके रखो, नोट करके रखो, जो लॉजिक दिखा मैं बताता हूँ उसको यहाँ पे टाइप करके रखा करो, भाई यहाँ पे क्या करना है, गैप अप ओपन होगा तो क्या करना है, ऐसे लिख लिया करो। ओके, तो ये चीजें आप लिख करके और लेवल्स को ड्रॉ करके मस्त चार्ट सजा करके अगले दिन ट्रेड किया करो, और इन तीनों में से जहां पे एंट्री मिलती है वहां पे एंट्री करना, और डेटा को भी थोड़ा देखते रहना ताकि आपका एक कुछ व्यू बन सके। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है वो बैंक निफ्टी, यहाँ पे अभी भी बेरिसनेस बनी हुई है, बिकॉज यहाँ पे कॉल वाई अभी भी ज्यादा है, और आज के दिन में देखें तो आज के दिन में भी बेरिसनेस का पोजिशन ही बना है। तो यहाँ पे हम ये इशारा कर सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो हमारी बेरिसनेस की तरफ इशारा कर रही है। अब इसका कारण आपको पता है, HDFC बैंक, और आज आई थिंक ICICI बैंक ने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई थी, और बट क्या ही कर सकते हैं वो अकेली, तो HDFC बैंक जो है वो कल्प्रिट साबित हो रही है। ओके, तो अगर ये कल बुलिशनेस दिखाती है तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि उम्मीद रहे, बट अगर नहीं दिखाती है तो फिर से हमारा जो बैंक निफ्टी है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बट ओवरऑल देखते हैं डेटा, तो डेटा हमें दिख रहा है बेरिसनेस, और बेरिसनेस टू वॉलिटिलिटी का हम इशारा करेंगे, बिकॉज निफ्टी आपको बुलिश दिख रही है और बैंक निफ्टी आपको बेरिस दिख रही है, तो दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो हमें वॉलिटिलिटी ही मिलेगी, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ बैंकिंग वाले बैंक निफ्टी में भी हैं। तो ये पॉइंट है। अब हम देखते हैं सिंपली हमारे पास लेवल्स जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हम बाई कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं। अब देखो पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम एक हमारे पास अच्छा खासा सेलिंग का लेवल है, तो ये हमारे पास सेलिंग का लेवल है, हम यहाँ पे सेल करेंगे, लेकिन इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे इसमें कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करेंगे। तो सिंपल फंडा ये, अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है और ये हमारा है 45,815 से लेकर के 865 तक, तो यहाँ पे आने पे एक 5 मिनट का रिवर्सल मिलेगा और कंफर्मेशन मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, जो कि है ऐसा। देखो यहाँ पे एक आपका दोजी कैंडल बनी, उसके बाद बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, तो ऐसे प्रॉपर कंफर्मेशन मिलते हैं तो ही हम ट्रेड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो अच्छा खासा ये एरिया ऑफ सपोर्ट था, ब्रेकडाउन हो गया, और ब्रेकडाउन होने के बाद एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन गया, और इसी एरिया में आने के बाद यहाँ पे आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो आपने अगर ये वाला ट्रेड किया होगा तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट हुआ होगा। खैर ये चीज मैंने अपडेट नहीं करी थी, बिकॉज मैंने कल के लिए मतलब आज के लिए वीडियो नहीं बनाया था। तो अब यहाँ पे सिंपल समझते हैं, तो यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे अगर हमारा इस एरिया में सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा, तो हमारा टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 780 का, और इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो कैंडल का रिवर्सल होगा, जिस कैंडल में कंफर्मेशन आएगा उसी कैंडल का हाई, मतलब कि भाई इस एरिया में आई एक दोजी कैंडल बनी, उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनी, तो दोजी कैंडल का हाई वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये पहली प्लानिंग आप लेकर के चलो, बिकॉज डेटा जो दिख रहा है मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ। अब ऐसा भी हो सकता है कि कल ये एरिया गैप अप के साथ या फिर स्टार्टिंग में ही ब्रेक कर जाए, तो ये भी हो सकता है। देखो फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है आराम आराम से होले होले, तब तो ठीक है, लेकिन अगर कल थोड़ा सा बुलिशनेस दिखी और उसी बेस पे ये ब्रेक कर दिया, ये हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक कर दिया, तो फिर हम बाई के लिए प्लान करेंगे। तो हमारा क्या होगा, सीधे सीधे इस लेवल को ब्रेक होने के बाद रिवर्स आएगी, और फिर जब उस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हम एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस स्विंग लो और टारगेट 1:2 का हो जाए
रहेगा। तो ये दो प्लानिंग आप यहाँ पे अभी के हिसाब से देखो। तीसरी प्लानिंग हमारी जो होगी वो होगी बाय द डिप वाली। अब बाय द डिप वाली जो हमारी प्लानिंग होगी वो है यहाँ से यहाँ तक। सिंपली अगर हमें बैंक निफ्टी हमारी मिल जाती है 4570 से लेकर के 530, तो 70 से लेकर के 30 अगर हमारे यहाँ पे रिवर्सल आता, बाइंग आती है, कोई भी रिवर्सल दिखेगा तो हम बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ पे 700 का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आई थिंक अगर मैं समझता हूँ यहाँ 570 से भी मिलेगा तो भी 130 पॉइंट का तो आपको टारगेट मिलेगा। तो ये बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा इसी के जस्ट नीचे 520 का आप लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे आने पे हम बाई करेंगे रिवर्सल देख करके, और गैप अप से अगर खुल गई या फिर इसी कैंडल को पहली बार में ही तोड़ दिया तो फिर हम रिवर्सल पे मतलब फिर से ब्रेकआउट का बाई करेंगे, और नॉर्मल अगर फ्लैट ओपन होकर के इसके नीचे रहती है तो रिवर्सल पे हम शॉर्ट भी करेंगे। हम यहाँ पे प्लान लेकर के चलते हैं। ओके, और इन तीनों में से कोई एक प्लान एग्जीक्यूट हो सकता है या फिर हो सकता है दोनों एग्जीक्यूट हो जाए, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है कि कल फिन निफ्टी में क्या कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों एक ही होती हैं, तो यहाँ पे हम सेम लॉजिक के साथ चलेंगे। हमारा जो फिन निफ्टी में बाई का लेवल होगा ब्रेकआउट का, इसमें आप सेल मत करना, इसमें बाई करना, तो क्योंकि निफ्टी हमारी थोड़ी सी बुलिश है इसकी वजह से। तो यहाँ पे निकल जाएगा इस एरिया के पास जो कि है हमारा 20,400, तो 20,400 को ऊपर निकल जाएगी तो नीचे आएगी, फिर से ऊपर जाएगी तो हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस स्विंग लो, टारगेट आपका हो जाएगा 480 और 500 का। ये पहले प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग क्या है? बाई द डिप वाली। तो हम बाई द डिप करेंगे जो कि होगा हमारी यहाँ से यहाँ तक। सिंपली अगर नीचे फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे आती है 20,300 से लेकर के 308 है तो 310 पकड़ लो, 310 से लेकर के 290, तो 305 पकड़ लो, 305 से लेकर के 290 तक अगर आती है तो हम बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा सीधे सीधे 280 का, और हमारा इसमें पहला टारगेट हो जाएगा 350 का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 400 का। तो ये फिन निफ्टी की आप प्लानिंग लेकर के चल सकते हो। यहाँ पे आपको बाय द डिप और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट में बाई करना है, बिकॉज डेटा में थोड़ा बहुत मुझे बुलिशनेस दिख रही है, ये हमारा व्यू बन के आ रहा है। तो ये सब चीजें आप मेरे जो लाइव मार्केट अपडेट है, जैसे कि मैं यहाँ पे चार्ट भी आपके साथ शेयर करता, तो ये भी अपडेट्स आप लेते रहो, और यहाँ पे कुछ कमोडिटीज के कॉल्स भी होते हैं, तो ये सब जो भी आप स्टडीज जो भी होती है ये सब मैं बताता रहता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखें, और अगर आप ये सब चीजें मुझसे सीखना चाहते हो तो मेरी क्लासेस भी चलती है हर महीने, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली ये वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें मैंने पूरी डिटेल दे रखी है होम पेज पे कि क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, तो पूरी डिटेल है। आप अगर वो अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है सिंपली मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल अगली बैच 20 मार्च से चालू होगी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप लाइक कर मतलब अच्छा लगता है आपको तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।